ये है कला आश्रम, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है ये। ये कॉलेज उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर चोरबावड़ी ग्राम पंचायत के बासड़ा गांव के समीप स्थित है। हाल ही में 13 जुलाई को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से आए एक निरीक्षण दल ने इस कॉलेज का निरीक्षण किया। जब टीम निरीक्षण कर रही थी उस समय 3 तथ्य मेरे सामने आए जिनकी पड़ताल करने पर इस कॉलेज के काले कारनामों का सच सामने आ गया। आप भी जानिए आखिर वो 3 बातें क्या थी। कॉलेज की जांच करने के लिए टीम 13 जुलाई को सुबह जब इस कॉलेज में पहुंची तो उससे पहले ये जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं काले रंग की बोलेरो जीप, इस जीप को गांव में ले जाया गया और इस जीप में चोर बावड़ी गांव के और काचवा गांव के रोगग्रस्त लोगों को उपचार का लालच देकर इस जीप में बैठाकर कॉलेज में लाया गया। सवाल उठता है कि आखिर गांव-गांव जाकर मरीजों को उपचार के लिए कॉलेज में क्यों लाया गया। 13 जुलाई को कॉलेज प्रबंधन ने इस कॉलेज परिसर के मुख्य गेट पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी। निरीक्षण के लिए आए दल की गाड़ी को इस परिसर में घुसने देने के बाद मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया। ताला भी अंदर से लगाया गया और बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने दिया। यहाँ फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों इस मुख्य द्वार के अंदर ताला लगाया गया, क्यों गेट बंद किए गए। निरीक्षण टीम के अंदर जाते ही इस तरीके से ताला लगाना संदेह के घेरे में है। निरीक्षण टीम के इस कॉलेज में आने से पहले कॉलेज के लोगों ने चोरबावड़ी और बांसड़ा और काचवा गांवों में जाकर लोगों को कला आश्रम में शिविर होने की बात कही थी। साथ ही जो रोगग्रस्त लोग थे उनको भी वो अपने साथ कॉलेज में लेकर आए थे। शिविर की सूचना मिलने पर नयागुड़ा गांव के लोग और गोगुंदा के ही लोग उपचार करवाने के लिए कला आश्रम के बाहर पहुंचे, लेकिन यहां सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। यहां पे क्यों आए हैं सब जने आज? मेरा नाम बंसीलाल है, हम यहां इलाज कराना आए और ताला लग रहा है, हम कहां जाए, वापिस जा रहे घर। सिर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द और बुखार से पीड़ित कस्बे के कई युवा भी उपचार करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां सुरक्षा गार्डों ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो सुना आपने, ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का था, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने कह दिया 1 बजे ओपीडी बंद हो गई। यहाँ मेरा नाम मैन पाली वाला, मैं घूमने से आया हूँ। राजा मैं सूचना मिली थी कि यहाँ पे कैंप आए हुए थे, तो हम आए, गेट बंद है, खुल नहीं रहे, 2 बजे तक बोला है पर 1 बजे भी गेट बंद है। ठीक है, अच्छा आप कैसे आए थे, आपको क्या करवाना था? मेरा नाम प्रवीण प्रजापत है, गोगुंदा से। सूचना मिली थी कि यहाँ पे कैंप लगने वाला है, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम यहाँ आए थे। तो यहाँ के देखा तो इन्होंने बोला कि 9 से 2 बजे का टाइम है और अभी 1 बज रहे हैं और 1 बजे के अंदर ही मतलब गेट बंद कर दिया इन्होंने। क्यों चक्कर लगा रहे हो आप? आशुदास में दवाई ले आया था। कब आए? पेट का, पकड़ का दर्द है। आज क्यों आए, आज क्या हो रहा है? आज दवाई लेने आया था। तो अभी दे दी क्या दवाई? नहीं। क्यों? के है नहीं, आज डॉक्टर है नहीं। अच्छा आज डॉक्टर नहीं आया? हाँ। तो देखा आपने, कला आश्रम के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था, सुरक्षा कर्मी वहाँ लगे थे जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ना मीडिया कर्मियों को अंदर जाने दिया, ना ही उपचार करवाने के लिए वहाँ पर आए लोगों को अंदर जाने दिया। इसके बाद इसकी सूचना जब चोरबावड़ी सरपंच नार सिंह देवड़ा
उप सरपंच भारत सिंह और उप प्रधान पप्पू राणा बील को मिली तो वो इस कॉलेज के सामने आए और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया और मरीजों से नहीं मिलने दिया। प्रधान, सरपंच, उप सरपंच और कई लोग इस गेट के बाहर एक घंटे तक खड़े रहे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। सबसे बहुत दुखद आज के मैं समझता हूँ कि जीवन में पहली बार इसको मैं एक ऐसी अद्भुत घटना मान रहा हूँ कि हमारे गांव के पेशेंट हैं यहाँ और उनको लाया गया है। मेरे और साथी हैं जिसका मैं जो उनकी किस तरह की तबीयत है, किस तरह की बीमारी है, उस हिसाब से हमने घूमने के लिए कला आश्रम में प्रवेश के लिए एक घंटे से अधिक समय हुआ है बाहर इंतजार कर रहे हैं। चौकीदार के द्वारा बताया गया है लेकिन कोई उत्तर उत्तर बोल रहे, लेकिन अभी तक उन पेशेंटों से हमारे को नहीं दिलाया गया। और गेट पे ताला लगा दिया है, हमारे को अंदर नहीं जाने दिया और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारे लिए, मैं इसको अपराध की श्रेणी में मानता हूँ कि कोई अगर चिकित्सालय इस तरह के अगर आचरण व्यवहार करता है तो अगर मेरे को अगर मान लो यहाँ नहीं जाने दिया तो और साधारण मनुष्य की तो यहाँ क्या अप्रोच होगी, कैसे वो मिल सकते होंगे, क्या यहाँ पर इलाज चल रहा है, तो उसके बारे में अभी तक कोई इंसाफ नहीं है इस पर। क्या बताना चाह रहे हैं आप? साहब मैं इस हॉस्पिटल के भाई क्लासरूम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये क्लासरूम वालों ने यहाँ जो सेठ जी उन्होंने अपनी दादागिरी वाले लगा रखी है, यहाँ किसी तरह का कोई इलाज वगैरह कुछ नहीं करते हैं और सिर्फ कागजों में जो भी हो रहा है वो सब कागजों में कर रहे हैं। पर आज मुझे कहीं पता लगा कोई इंफेक्शन वाली टीम आई है, इन्होंने आस पास के जो लोग हैं और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके परिवार वालों को, यहाँ पे जो चौकीदार है या जो रात्रि नाइट ड्यूटी वाले यहाँ जो लोग हैं इनके परिवार वालों को लाके इन्होंने भर्ती करके इनकी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं लोग। और यहाँ गांव वाले इनसे काफ़ी परेशान है साहब, इन्होंने ज़मीन यहाँ खरीदी कम है और यहाँ जो सरकार बिला नाम सरकारी ज़मीन थी उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। गांव वालों ने मुझे बताया तो मैंने जन सुनवाई में ये रिपोर्ट भी दी थी और फिर यह इनके जो मालिक है क्लासरूम वालों के जो मालिक हैं उन्होंने और यहाँ के अधिकारियों ने मिल के लिपापोती करके उसको नकार दिया जबकि वो ज़मीन मुफ्त नहीं कर पाई। तो साहब इससे इस एरिए को काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये किसी तरह से सब लिपापोती का काम है। तो जन सुनवाई में जो रिपोर्ट आपने दी उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में बताइए। पटवारी लोगों ने उन्होंने किसी तरह का मेजरमेंट तो यहाँ नहीं किया और इन्होंने उनको कुछ ले दे के संतुष्ट किया कि न जाने इन्होंने कैसे संतुष्ट किया, मेरे को वापस उसके बारे में किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली। तो हम उससे जुड़े हुए सवाल या वो चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज प्राइवेट मीटिंग है इसलिए हम लोग इन सब बातों पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप कभी भी आइए, हम लोग पेपर कॉन्फ्रेंस करें। कब कर रहे हैं आप? इंस्पेक्शन के बाद में कर रहे हैं? यस यस, जयपुर में करवाइए पेपर कॉन्फ्रेंस में। नहीं, आप इसके बाद में करवा रहे हैं कि ये इंस्पेक्शन के बाद? आज कोई इंस्पेक्शन नहीं है। आज इंस्पेक्शन से रिलेटेड कोई भी जो बात होगी तो वो सब हम सीधा राजस्थान गवर्नमेंट को ही भेजेंगे। देन यू कैन कॉन्टेक्ट देम। आपके साथ हम अंदर विजिट कर सकते हैं? नो नो नो, नॉट पॉसिबल। या हां, या दिस इज द प्राइवेट। या या या, गुड नेम फॉर मी? गुड नेम? नो नीड सर, नो नीड। मुझे अपना ये दे दीजिए, आई विल कॉन्टेक्ट यू। ओके, हां नंबर नहीं है, 900 आपका आईडी कार्ड होगा? आई मतलब। तो देखा आपने, पूरा फर्जी तरीके से फर्जी चीज़ें सामने रखी जा रही है। यहाँ हमने कई लोगों से बात करी और उसमें ये सामने आया कि निरीक्षण के समय कॉलेज के लोग गांवों में जाते हैं और रुपए पैसे का लालच देकर या फ्री में उपचार करने का लालच देकर लोगों को गाड़ी में बिठाकर कॉलेज में लाया जाता है और वहाँ निरीक्षण टीम को दिखा कर ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जब ना यहाँ आईपीडी है, ना यहाँ ओपीडी है, ना मरीजों का यहाँ उपचार किया जाता है, तो फिर कॉलेज के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? मरीजों को पैसे देकर एडमिट किया जाता है, इसकी सच्चाई
चोर बावड़ी के इन बुजुर्ग से सुनिए। एक तो पप्पू अटे जाएगी और एक सुनीलाल वो बोलेरो लेने आया कर सालो तो हमने पैसा दिया बटे हूँ थोड़ी दी बच्चे आप आया अटे। हाँ मैं आया और 7 दिन तक आया रेगुलर। अच्छा तो रोजाना बोलेरो जीप आपको लेने आती है रोजाना छोड़ देती है। बोलेरो माँ देवा आवे रोन आगे छोड़े रोन लेना है लेना कुछ कई कई नहीं। अच्छा पैसा नहीं दिया आपको नहीं है ना दिया। सुनने में आया कल परसों भी आपको बुलाने के लिए आए थे क्या कोई यहाँ से? कल परसों भी आया पर फिर मुंह नहीं आया दूसरा मनका ने ले आया। तो आज गांव से इस बार तो आप नहीं आए लेकिन नहीं। दूसरे कौन कौन लोग आए आपको मालूम है? दूसरे लोग एक तो माना जी ने घर आया एक दो आया जरूर है अपन सबरो मन पतो नहीं। तो वे लोग खुद चाल रटे कला आश्रम में आया या और कोई? नहीं कला आश्रम में ही आया। नहीं पर इनको लेने के लिए कोई आया है या खुद पैदल चल गया? लेने के लिए बोलेरो लेने आया और पप्पू लारा आयो अटे रे जी चौकीदार। जानकारी के अनुसार किसी भी चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज की मान्यता तब मिलती है जब उस चिकित्सालय में 30 बेड हो आईपीडी में और वहाँ रोजाना ओपीडी का संचालन हो रहा हो, कुल मिलाकर लोगों का उपचार वहाँ हो रहा हो, वहाँ लोगों को गंभीर बीमारी होने पर एडमिट किया जा रहा हो और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा हो, तभी उस चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिलती है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों मरीज लाए जा रहे हैं और यह क्यों तमाम फर्जी माड़ा किया जा रहा है। ऐसी खबरें लगातार पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।